Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ झारखंड एंड दिस इज द पार्ट थ्री है ठीक है. ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू अपलोडेड है, आप लोग वो देख सकते हैं और आप फिर इसे देखिएगा, ठीक है. तो आपके लिए ये और भी बेटर होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आते हैं करिया मुंडा. इनका जन्म जो हुआ था वो 20 अप्रैल 1936 को 20 अप्रैल 1936 को अंगीरा गांव में खूंटी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है. ये एक फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर है 15th लोकसभा के और पॉलिटिशियन है, ठीक है. ये सबसे पहले मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में इंडक्ट हुए थे, मतलब सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जो हुआ था मतलब एज अ एमपी तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में हुआ था 1977 में. और उनको पोर्टफोलियो मिला था स्टील मिनिस्ट्री का, ठीक है. स्टील मिनिस्ट्री का इनको डिपार्टमेंट मिला था पोर्टफोलियो. ये सबसे पहले इलेक्ट किए थे इन द 6th लोकसभा इन 1977 फ्रॉम खूंटी डिस्ट्रिक्ट. खूंटी डिस्ट्रिक्ट से इनको इलेक्ट किया गया था जो कि उस टाइम बिहार स्टेट में पड़ता था और अभी वो झारखंड स्टेट में है. प्रेजेंटली वो झारखंड स्टेट में है खूंटी, ठीक है, और जो कि पहले बिहार स्टेट में था. और ये 6th लोकसभा में फर्स्टली इलेक्ट हुए थे, ठीक है. फिर इनको बाद में री इलेक्ट किया गया कई बार, जैसे 1989 में, फिर 1991. ये 1991 है, भले ये 1999 जैसा लग रहा है पर ये 1991 है. फिर 1996, 1998, 1999 और 2009. सो ही वाज इलेक्टेड फॉर 6 टाइम्स, ओके, फ्रॉम द सेम कंस्टिट्यूएंसी खूंटी. सिर्फ मतलब इनको सेम कंस्टिट्यूएंसी, वहीं की उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी खूंटी से इलेक्ट किया गया. 2019 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया. ही वॉज अवार्डेड विथ पद्म भूषण अवार्ड इन 2019. ओके, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ लिए करिया मुंडा के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे ए के रॉय के बारे में. ओके, ए के रॉय का पूरा नाम जो था वो था अरुण कुमार रॉय. ये एक इंजीनियर थे. ये फाउंड किए थे मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी MCC, ठीक है. और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, MLA थे. ये धनबाद से लोकसभा सीट जीते इन 1997, 1980 और 1989, ठीक है. और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन प्लेइंग आउट, मतलब कि जो झारखंड को सेपरेट करने का मूवमेंट था उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. और ये 1971 से ही उसमें भागीदारी दिए थे कि झारखंड को बिहार से एक अलग राज्य बनाना है, ठीक है. उनकी डेथ हो गई 21 जुलाई 2019 को धनबाद में. He died on 21st July 2019 in Dhanbad. Okay. अब हम लोग पढ़ते हैं शिबु सोरेन. हम सब इन्हें जानते हैं. अभी तक हम लोग जिनके बारे में पढ़ रहे थे शायद हम लोग उन्हें नहीं जान रहे थे अभी तक, पर हाँ अब जो पढ़ेंगे लगभग हम लोग उनको जानते हैं, ठीक है. तो इनका जन्म जो हुआ था वो 11 जुलाई 1944 में हुआ था. ये तीन टाइम ही वॉज इलेक्टेड एज अ CM ऑफ झारखंड. ही वॉज इलेक्टेड एज अ CM ऑफ झारखंड फॉर 3 टाइम्स. सबसे पहली बार ये 2005 में बने थे मात्र 10 दिन के लिए, 2 से 12 मार्च. दूसरी बार ये 2008 में बने थे, 2008 से 2009 तक. तीसरी बार ये 1 साल के लिए, फिर 2009 से 2010 के लिए बने थे. ये थर्ड टाइम जो बने थे ये थर्ड टाइम जीत के बने थे, वरना ये दोनों टाइम तो वो बस बिना जीते मतलब बन जाते, मतलब बन गए थे मे बी थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है. हमको पूरा आइडिया नहीं है अभी इसका. फिर ये जो आफ्टर विनिंग द झारखंड असेंबली इलेक्शन ही वॉज इलेक्टेड ऑन 30th दिसंबर 2009. ओके, 30th दिसंबर 2009. 18 साल की एज में इन्होंने झारखंड नवयुवक संघ का गठन किया. ही फॉर्म झारखंड नवयुवक संघ. ओके, इन 1972 में तीन लोग, एक ए के रॉय, अरुण कुमार रॉय, विनोद बिहारी महतो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और शिबु सोरेन. ए के रॉय जो थे वो थे बंगाल मार्क्सिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर, ठीक है. और जो विनोद बिहारी महतो थे वो थे कुर्मी महतो लीडर, और संथाल लीडर थे शिबु सोरेन. ये तीनों मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाते हैं टू सेपरेट झारखंड फ्रॉम बिहार, इसलिए ताकि झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए. ओके, फिर हम लोग पढ़ते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में. इनका जन्म 23rd सेप्टेम्बर 1923 को हुआ धनबाद में, ठीक है. ये एक एडवोकेट थे, वकील थे और एक पॉलिटिशियन थे. ये एस्टैब्लिश किए थे शिवाजी समाज. ये एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था
अमॉन्ग कुडमीज, कुडमीज के लिए मतलब कुडमीज के द्वारा ये एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। फिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा फाउंड करते हैं, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये फाउंड करते हैं इन 1972, इन 1972 ही फाउंड है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो अभी हम लोग JMM है पार्टी, वो ये थर्ड 3 बार ये मेंबर ऑफ विधानसभा रहे, और फिर ये लोकसभा के मेंबर है फ्रॉम गिरिडीह, गिरिडीह कंस्टिट्यूएंसी से ये 1991 में लोकसभा के मेंबर रहे थे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट बाबूलाल मरांडी, एज यू ऑल नो दैट ही इज द, ये जो है ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, करते हैं भी, और इनका जन्म 11 जनवरी 1958 को हुआ। ये फर्स्ट CM ऑफ झारखंड है, और ये झारखंड विकास मोर्चा जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी JVM सुनते हैं, ये इनके फाउंडर है, ओके। अब आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, वी ऑल नो, हम लोग इन्हें इन्हें कौन नहीं जानेगा, ठीक है। इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का ये बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है। इंडिया वॉन, इन्हीं के कैप्टेंसी में इंडिया 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, वो मैच हम लोग सब देखे हैं, तो ये जीता, बहुत अद्भुत मैच था। फिर 2010 और 2016 में ये एशिया कप ओके जीते हैं, 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, वी ऑल नो कि हम लोग 2011 में 2 अप्रैल 2011 को मैच देखे थे, ठीक है, जिसमें कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था और इंडिया को एक विक्ट्री, मतलब इंडिया के दिल को धड़का करके मतलब खुश कर दिया था। फिर 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी ओके इंडिया जीता, फिर इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, पद्मश्री में इन्हें 2 अवार्ड मिला है, पद्मश्री और पद्म भूषण, इन्हें बस पद्म विभूषण नहीं मिला है, काश वो भी मिल जाए। तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में मिला, पद्मश्री 2009 में मिला, पद्म भूषण इन्हें 2018 में मिला है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दीपिका कुमारी, सी इज़ द इंडियन एथलेट, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, दीपिका कुमारी भी हम लोग को बहुत प्राउड करवाई है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये एक आर्चर है, ठीक है। फिर ये गोल्ड मेडल जीती थी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फिर इनको भी अवार्ड मिला है, जैसे अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला 2012 में, पद्मश्री अवार्ड मिला 2016 में, ठीक है। इनको गोल्ड मेडल मिला था इन द 21st एशियन चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, ठीक है, इन्हें वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला था, कहाँ पे, 21st एशियन एशियन चैंपियनशिप में, ओके। तो ये हम लोग पढ़ लिए अबाउट द पर्सनैलिटीज ऑफ झारखंड, अबाउट द फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ झारखंड जो कि झारखंड की विभूति है, ठीक है। आपको मेरा ये जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हम लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और उस चैनल का नाम है सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके पास ये मतलब पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।